नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख गतिविधियों पर। उज्जैन में फर्जी एडमिट कार्ड से परीक्षा देते हुए एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस की आरक्षक भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुलिस ने एक ऐसे अभ्यर्थी आकाश सिंह पटेल को परीक्षा में शामिल होते समय पकड़ा, जो दूसरे चरण की जीडी एवं रेडियो शारीरिक दक्षता परीक्षा में नकली एडमिट कार्ड बनाकर शामिल हो रहा था। उसने परीक्षा में शामिल होने के लिए नकली एडमिट कार्ड बना लिया था। मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन के महानंदा नगर एरिना ग्राउंड पर मध्य प्रदेश पुलिस की आरक्षक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी आकाश सिंह द्वारा अनुक्रमांक 22462570 की प्रवेश पत्र की छाया प्रति दिखाकर आरक्षक जीडी एवं रेडियो वर्ष 2020-21 की द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा था। चयन समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों द्वारा अभ्यर्थी आकाश सिंह पर संदेह होने पर अनुक्रमांक 22462570 को मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर चेक करते समय अनुक्रमांक 20462570 पर नाम आकाश सिंह पिता राकेश सिंह का रिजल्ट आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा में नॉट क्वालिफाइड होना पाया गया। उक्त अभ्यर्थी आकाश सिंह पटेल के द्वारा पुलिस आरक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में पास नहीं होने पर भी धोखाधड़ी करते हुए परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया गया। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि सतना निवासी आकाश सिंह पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा देने आया था। उसके द्वारा नकली एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा में प्रवेश करना चाहता था। पुलिस भर्ती परीक्षा में लगे अधिकारियों के द्वारा शंका होने पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए दस्तावेज का बारीकी से जांच की गई। अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अनुक्रमांक 22462570 की प्रवेश पत्र की छाया प्रति को चेक करते समय प्रवेश पत्र की छाया प्रति फर्जी तथा नकली निकली। आरक्षक संवर्ग भर्ती चयन समिति से प्राप्त दिनांक 17 जून की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की सूची में अनुक्रमांक 22462570 पास होना नहीं पाया गया था, जिस पर फरियादी राम सिंह भाभोर निरीक्षक जिला रतलाम की सूचना पर थाना माधवनगर पर अपराध क्रमांक 314/22 धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड विधान व 66D IT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। DIG महोदय श्री अनिल कुशवाहा साहब एवं SP साहब के मार्गदर्शन में पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है एरिना ग्राउंड में, और ये भर्ती प्रक्रिया काफ़ी जटिल रहती है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया के दौरान पुलिस की जागरूकता एवं सतर्कता की जा रही है, जिसके जरिए आज एक फर्जी अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन लिखित परीक्षा में नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी वो अपना फर्जी एडमिट कार्ड बना के और अपने आप को क्वालिफाई दिखा के शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का प्रयास कर रहा था, जिसको आज भर्ती प्रक्रिया में लगे कर्मचारी पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाकर आपराधिक पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस की कौन सा परीक्षा सेंटर परीक्षा दे रहा था और इसमें आगे क्या जवाब मिलने की? हाँ, ये जो भर्ती स्थल है शारीरिक दक्षता परीक्षा का एरिना ग्राउंड, यहाँ पे भर्ती देने आया था और इसके द्वारा अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए फर्जी एडमिट कार्ड बनाया। सर, कहाँ का युवक है? ये सतना का रहने वाला युवक है जो आज 17 जून को परीक्षा देने आया। किस प्रकार सर ये पुलिस की इसमें आया है, जिसमें आया है कि ये फर्जी परीक्षा दे रहा है? हाँ, इसे एडमिट कार्ड मांगा गया था। एडमिट कार्ड संदिग्ध प्रतीत होने पर फिर उसकी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि चयन सूची के उम्मीदवार में इसका नाम नहीं है। वो फिर वेबसाइट पर जाके फिर इसका रोल नंबर फिर सर्च किया गया तो इसमें नॉट क्वालिफाई पाया गया था। तो इस तरह कूटरचित दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड बना के ये जो है